पाकिस्तानी सियासी कॉरिडोर्स में कुछ अफवाहें पहले से ही गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, कोई मिलिट्री एक्शन या मिलिट्री से रिलेटेड एंगल जरूर लिया जाएगा। इन र्यूमर्स को मजीद पक्का कर दिया एक स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने। वैसे तो पाकिस्तान में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोई बड़ी बात नहीं है, एक रूटीन का हिस्सा है, लेकिन एक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही मुनक्कद की जाती है, जब आर्मी की टॉप ब्रास यानी कि सारे कोर कमांडर्स और आर्मी चीफ ने एकजुट होकर आर्मी की तरफ से कोई पैगाम पहुंचाना। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की गई, लेकिन सबसे अहम वो बात है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आर्मी की टॉप ब्रास का कहना था कि उनके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी कि ऐसे शवाहिद जिनको झुटलाया नहीं जा सकता मौजूद हैं कि जो सारे आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुए हैं इसके पीछे एक वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, और अब ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो मुल्क में जो कानून है उसके तहत तो होगी, लेकिन अब उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंडर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत अगर आप पे कोई कार्रवाई हो रही हो तो आपका मुकदमा किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में नहीं लड़ा जाता बल्कि आर्मी के अपने मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ जाता है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में उस वक्त की पार्लियामेंट ने पास किया था, एक बहुत ही लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम आर्मी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स, डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह है, लेकिन कहानी तब्दील हुई 6 जनवरी 2015 जब 21वीं अमेंडमेंट पास की गई APS पेशावर अटैक के बाद। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान का आर्मी एक्ट से क्या लेना देना है, उनको आर्मी एक्ट के थ्रू क्यों ट्राई किया जाएगा, ये अफवाहें क्यों गर्म है। उसका जवाब यह है कि 21वीं तरमीम के बाद इस बात की इजाजत दे दी गई थी कि आर्मी एक्ट के थ्रू सिविलियंस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको करने पे आपके खिलाफ आर्मी एक्ट से कार्रवाई की जा सकती है, और अगर सबसे ऊपर देखें तो लिखा है अटैकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इंस्टॉलेशंस। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको लेके इमरान खान पर केस बनाया जा सकता है। अब अगर तो इमरान खान को वाकई आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनका केस चलेगा एक मिलिट्री कोर्ट में। ये हाई कोर्ट्स की तरह नहीं होते कि इनका डिसीजन आपको पसंद नहीं आया तो आपने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजन के खिलाफ अपील सिर्फ मिलिट्री एपलेट ट्रिब्यूनल में हो सकती है जिसका सरबरा एक ब्रिगेडियर या उससे ज्यादा रैंक का ऑफिसर होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठता है इस एपलेट ट्रिब्यूनल में जब आपकी अपील सुनी जा रही होती है। अगर मिलिट्री एपलेट कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के वर्डिक्ट को बरकरार रखा तो ये वर्डिक्ट कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। बहुत सी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने बेहद तशवीश जाहिर की है कि मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पब्लिक नहीं होती, यहां पर फंडामेंटल राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता, ये मिलिट्री कोर्ट्स ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन इसके अगेंस्ट ये व्यू पॉइंट दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म की एक मेनेस फैली हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, और यह अमेंडमेंट सनसेट क्लॉज के साथ आती है कि कुछ अरसे में इसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर तो अफवाहें दुरुस्त साबित होती हैं और इमरान खान को वाकई आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो काफी मुश्किल में आने वाले हैं। अगर तो आप करंट अफेयर्स या पाकिस्तानी हिस्ट्री से लेके मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।